अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करने के बाद आज से हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। 2.6 एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लोगरिथमिक फंक्शन का। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स से हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें किसी कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसमें जो हमारा कांस्टेंट है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये यूँ समझिए कि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, 0 से बड़ा और अदर देन 1। कोई भी रियल नंबर होगा आप यहाँ पर पुट करेंगे, जैसा कि 2 की पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेट्स से 3 की पावर x, यानी 1 के अलावा और नेगेटिव के अलावा कुछ भी नंबर होगा, पॉइंट्स में भी हो सकता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो अब सबसे पहले हम इसके फार्मूला को प्रूव करेंगे, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। हम इससे पहले भी डेरिवेटिव के फार्मूलाज को प्रूव कर चुके हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। जब भी आपने किसी फार्मूला को प्रूव करना होता है तो हम डेफिनेशन को यूज़ करते हैं डेरिवेटिव की। ठीक है, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। विच इज़ हम इसको f प्राइम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं। तो दिस इज लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए हम 4 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम ये इंक्रीमेंट करते हैं x में, डेल एक्स यानी ऐड करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन को माइनस, थर्ड में डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, और लास्ट में भी हम इसकी लिमिट लेकर उसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारे पास मैं ऊपर लिख चुका हूँ, दोबारा लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, या y भी लिख सकते हो, एक ही बात है। y लिख लें, एफ ऑफ एक्स लिख लें, मैं बता चुका हूँ, ये एक ही बात है। इज़ इक्वल टू ए पावर x। तो इसके डेरिवेटिव को हमें प्रूव करना है। तो ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू ए की पावर x। सबसे पहले मैं बता चुका हूँ स्टेप 1 में हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो x में जब इंक्रीमेंट करेंगे ना, चूँकि y एक्स पर डिपेंड करता है तो y में भी करना पड़ेगी। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल y, ये y की इंक्रीमेंट है। और ए की इंक्रीमेंट में एक्स की इंक्रीमेंट में हम क्या किया करते हैं, एक्स में कुछ चेंज ऐड कर देते हैं जिसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, डेल वाई इक्वल्स टू, ये वाई इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। अब आप इस वाई की वैल्यू लगा सकते हैं, विच इज़ ए पावर एक्स प्लस डेल एक्स, और y की जगह उसकी वैल्यू जो कि a की पावर x है। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि डेल y इक्वल आ जाएगा a की पावर x मल्टीप्लाई a पावर डेल x। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बेसिस सेम है ना, तो पावर ऐड होकर अल्टीमेटली यही चीज़ बन जाएगी, माइनस a की पावर x। अब आप अगर देखें तो a की पावर x जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा a पावर डेल x माइनस 1। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये 2 स्टेप्स हो चुके हैं। थर्ड स्टेप में हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं डेल एक्स के साथ। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे वी हैव ए की पावर एक्स, और उसके साथ में a पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, ये इसका थर्ड स्टेप था। लास्ट पे अब हम फिर इसकी लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। तो इसी एक्सप्रेशन के दोनों तरफ हमें लिमिट लेनी है। आप लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एंड ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, वो भी लिख सकते हैं। सो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, लेफ्ट साइड पे वी हैव डेल वाई ओवर डेल एक्स and on the right side limit del x approaches 0 a की पावर x और उसके साथ में हमारे पास आएगा a पावर del x माइनस 1 डिवाइडेड बाई del x। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं डायरेक्टली del x की जगह पर सिफर इंसर्ट करता हूं तो मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमने बचना है, इसका कुछ मतलब नहीं है, इससे हमें कुछ आंसर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम अपने फंक्शन को या तो कुछ रीअरेंज वगैरह कर लें या हम थोड़ा रिकॉल करें वापस जाके। हमने कुछ लिमिट का कोई रूल वगैरह पढ़ा था इस तरह कहीं से मिलता जुलता। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यस, हमने एक रूल सीखा था, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, विच इज़ लिमिट लेट्स से एच अप्रोचेस ज़ीरो ए पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्या आंसर आता है इसका? दिस इज इक्वल टू, दिस लिमिट इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। हमारे पास भी सेम यही फंक्शन है, बस फ़र्क किसका है? डेल एक्स का। यहाँ पर एच है और यहाँ पर डेल एक्स था, तो वो एक वेरिएबल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस ए की पावर एक्स को मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि इस पे लिमिट अप्लाई नहीं हो रही। तो बाकी एक मरतबा हम लिख सकते हैं जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस ज़ीरो ए पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो लीजिए जी, अब इस लिमिट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ दिस बेस जो कि ए है इस केस में। ठीक है, इसका आंसर आ गया फाइनली ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। दिस इज़ दी डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स। तो लीजिए जी, ये हमने प्रूव कर लिया। ये फार्मूला अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें नोट करने वाली हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मसलन आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, दिस इज़ दी कॉमन एक्सपोनेंशियल। हमारे पास एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल, सॉरी वन ऑफ देम इज़ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस ई होती है, ये आपने पहले देख भी रखा होगा। तो इस पे अगर ये फार्मूला अप्लाई करें, एफ प्राइम लिख लें या डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, तो एक मरतबा ऐसे ही साथ में फिर हम नेचुरल लॉग लेंगे किसका? बेस का, विच इज़ ई। और हम ये जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई चूँकि इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे के, तो इसका आंसर होता है 1। तो अल्टीमेटली ये इक्वल किसके आ जाएगा? ई की पावर एक्स के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ये इटसेल्फ होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ये जो डेरिवेटिव देखा है दिस इज़ फॉर ए की पावर एक्स ओनली। क्या हो कि अगर हम पावर में कुछ फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दें, समझ रहे बात को, एक्स के अलावा कोई पूरा फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फंक्शन है जी, मैं चलें लिख देता हूँ y इक्वल्स टू ए की पावर में कोई मैं फंक्शन ले रहा हूँ जी ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इस पर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपने बाकी डेरिवेटिव वैसे ही फाइंड करना है। एक मरतबा ये एज इट इज़ आएगा, मैं बता भी चुका हूँ ऊपर। उसके बाद क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए, और उसके साथ आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो पावर में आपका फंक्शन आ रहा है, दैट्स इट। तो लीजिए जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का। अब बुक से कुछ हमने ये दो एग्जांपल्स ले रखी हैं, इनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो खैर इसको देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये चेन रूल है बेसिकली जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हम इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन करके, हम पहले कर भी चुके हैं। तो खैर पार्ट 1 पे देखें, इसके दो पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल 1 में फंक्शन हमारे पास गिवन है y इक्वल्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप अगर चाहें तो सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं, आसान हो जाता है। यानी पावर को किसको ही नाम दे लें, मैं यू कह देता हूँ, ठीक है। अब आपका फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल टू ई की पावर u। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, बट हमारा y तो u पे डिपेंड कर रहा है और u x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम फिर यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स दिस इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, क्योंकि y u पे डिपेंड कर रहा है और उसके साथ में u चूँकि x पे डिपेंड कर रहा है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये चेन आ गया हमारे पास, चेन आ गई है। अब आपको ये दो डेरिवेटिव्स चाहिए, y का u के रिस्पेक्ट से और u का x के रिस्पेक्ट से। इनको वन बाय वन हम कर सकते हैं वैल्यूएट। पहले y को देख लें, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी यू दिस इज़ इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ ई की पावर u। ई की पावर u का डेरिवेटिव हमने अभी ऊपर देख के आए हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। इसी तरह हमें अपने चेन रूल को कंप्लीट करने के लिए डेरिवेटिव चाहिए u का विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो ये आ जाएगा u किसके इक्वल था, हमने खुद से इसको सपोज भी किया हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का, डी ओवर डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर पे पावर रू लग जाएगा, जो कि टू शुरू में पावर यानी कि पावर से कम करें, वन बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन इज़ अ कॉन्स्टेंट, डेरीवेटिव सिफर हो जाएगा। तो दोनों डेरीवेटिव्स आ चुके हैं। अब आपको इन दोनों डेरीवेटिव्स को इसमें इंसर्ट करना है, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। Now by using 1 dy by dx इसके इक्वल आएगा पहले डेरिवेटिव y का u के रिस्पेक्ट से विच इज़ e की पावर u, और उसके बाद में फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ 2x। अब चूंकि हमारा फंक्शन x में गिवन था तो आपको आंसर भी x में चाहिए, ज़ाहिर बात है, तो इस u की जगह मैं u की वैल्यू लगा देता हूँ विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ले जी, अल्टीमेटली ये वही चीज़ आ गई है, एक मरतबा फंक्शन एज इट इज़ और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव, जो मैं आपको प्रूव में भी बता चुका हूँ, दिस वन, ठीक है ना। एक मरतबा एज इट इज़ ई की पावर एक्स, नेचुरल लोग लेंगे वन आ जाएगा, और फंक्शन का जो पावर में है उसका डेरिवेटिव। क्लियर है। अब वैसे आपको ये खुद करना चाहिए, चलें इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें साइड बाय साइड इसको शायद लेके चलना चाहिए, एक मिनट ज़रा, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखें ज़रा, फंक्शन हमारा इस मरतबा गिवन है y इक्वल्स ए पावर स्क्वायर रूट एक्स, सेम लाइन्स पे इसको हम लेके चलेंगे, सॉरी ए की पावर है स्क्वायर रूट एक्स। तो आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी किया जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो खैर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम पावर को कुछ नाम देंगे, लेट्स से u, t कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आपका y बन गया a की पावर u। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, यानी एक्चुअली में हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये एक चेन बन जाएगी। y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि ये u पे डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद u को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u x पे डिपेंड कर रहा है। अब हमने ये दो डेरिवेटिव्स बस फाइंड करने हैं और उसको पुट कर देना है। तो वन बाय वन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी यू दिस इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a की पावर u। a की पावर u का डेरिवेटिव एक मरतबा एज इट इज़ आएगा ये, और उसके साथ में नेचुरल लॉग लेंगे बेस का विच इज़ a, दैट्स इट, यही डेरिवेटिव है। इसी तरह अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख सकते हैं आप डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिए ज़रा, मैं इस लाइन को हम मज़ीद एक्सटेंड कर लें। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन है जो अभी हम कर रहे हैं। तो खैर ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। सिमिलरली ऑन द राइट साइड डेरिवेटिव आ जाएगा u का। u किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट x के इक्वल था। स्क्वायर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। पावर रूल लगाएंगे, 1/2 शुरू में पावर से कम करेंगे, 1/2 से कम करें तो ये आता है माइनस का 1/2। अच्छा अब माइनस का है, इसको आप नीचे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, और मैं 1/2 की जगह अगर लिख दूँ स्क्वायर रूट x तो कोई मसले वाली बात नहीं है। दैट्स इट, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे अपने इस फॉर्मूला में। इसको हम, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन है, मैं इसको भी 1 कह देता हूँ। तो इन दोनों को हम करेंगे 1 के अंदर यूज़। नाउ बाय यूजिंग 1 डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा? पहले डी वाई बाई डी यू विच इज़ ए पावर यू नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर यू नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे डी यू बाई डी एक्स विच इज़ 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। अब अल्टीमेटली अगेन हमें आंसर चाहिए अपना एक्स में, तो इस यू की जगह उसकी वैल्यू दोबारा से लगा दें जो कि स्क्वायर रूट एक्स है, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। ले जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसको आप रीराइट करके कॉन्स्टेंट्स को शुरू मिला सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक तो नेचुरल लॉग ऑफ ए कॉन्स्टेंट है और दूसरा ये 2 नीचे से कॉन्स्टेंट है, इसको शुरू में लिख लें। वैसे मसला कोई नहीं है इसमें, लेकिन स्टैंडर्ड वे यही है कि आप कॉन्स्टेंट को शुरू में ले आते हैं, बाकी बाद में उसको एज इट इज़ लिख लें ई पावर स्क्वायर रूट एक्स, और उसके साथ में आएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट हम चलेंगे डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे लॉग फंक्शंस के। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। लॉग, ये जो आप नीचे एक नंबर लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द बेस। इसका लॉग है एक्स का टू द बेस ए, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपका जो ए है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं होना चाहिए। याद रखिए लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, ये देखें ना, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a लिखा है ना, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x इज इक्वल टू a टू द पावर y, x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं। तो खैर अभी हम इस फंक्शन के, लॉग फंक्शन के डेरीवेटिव को प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर एज यूजुअल हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ए बेस है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको ई लेते हैं, अगर आप ए को ई लेते हैं तो आपका जो वाई है लॉग है, वो हम उसको नेचुरल लॉग लिख लिया करते हैं, ऐसे ही है ना। ये देखें ना, लॉग विद बेस ई इट कैन बी रिटन एज ln ऑफ एक्स, दिस इज़ दी नेचुरल लॉग। इसके अलावा आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, स्टैंडर्ड हम इसको 10 लेते हैं बेसिकली ना कॉमन लॉग में। खैर तो डेरिवेटिव पे आ जाए, ये जस्ट डेफिनेशन बताई थी आपको मैंने। तो अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है, हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे, कोई फिक्स नंबर नहीं यहाँ पर लेंगे। लेट्स से लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसके डेरिवेटिव को हमें प्रूव करना है यूजिंग डेफिनेशन। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे वाई प्लस डेल वाई, थोड़ा ज़रा स्पीड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है। इज़ इक्वल टू लॉग और एक्स में भी इंक्रीमेंट विच इज़ एक्स प्लस डेल एक्स। नेक्स्ट वाई उस तरफ शिफ्ट होके नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल वाई इक्वल आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, विद बेस ए। तो अब देखें, हम जानते हैं कि लॉग्स जब आपस में इस तरह से माइनस हो रहे हैं ना, लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग, तो इसको एक लॉग में लिखा जा सकता है, यानी इनको डिवाइड कर सकते हैं आप एक लॉग में लिख के। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कह लें, प्रॉपर्टी कह लें बेसिकली लॉग की है। फर्दर इसको ये किया जा सकता है कि एक्स इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसको आप सेपरेट कर लें। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स ओवर एक्स, कुछ इस तरह से। सॉरी डेल एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स और एक्स हो जाएंगे कैंसिल, अल्टीमेटली डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ऑल राइट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की जानिब, जहाँ पर हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे डेल एक्स से। आप लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, dividing by del x on both sides, so we have del y over del x is equal to, अच्छा बजाय कि हम पूरा नीचे लाइन लगाएं इसको मैं अलग लिख देता हूँ 1 over del x साथ में log of 1 plus del x over x। ठीक है, ये था हमारा थर्ड स्टेप। लास्ट पे अब हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं उसके लिए टेकिंग लिमिट as del x approaches 0 on both sides, so we have limit del x approaches 0 del y over del x is equal to, right side पे भी limit del x approaches 0 1 over del x और उसके साथ में आ जाएगा log of 1 plus del x over x। अब आप देखें अगर मैं डायरेक्टली ज़ीरो लगाता हूँ यानी लिमिट डायरेक्टली वैल्यूएट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 ओवर एक्स 0 log ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0, तो यानी कि ये 0 ओवर 0 इन अदर वर्ड्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, इससे हमने अवॉइड करना है। उसके लिए हम फिर रिकॉल करेंगे अपने कुछ पुरानी लिमिट्स को, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में बताई है ना, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक लिमिट पढ़ रखी है, मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी देता हूँ limit let's say n approaches 0 1 plus 1 over n और इसकी पावर में n यानी इसका रेसिप्रोकल, 1 over n का रेसिप्रोकल अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो ये लिमिट इज इक्वल टू होती है e के। ठीक है, e वही नंबर है और 2.71 इसकी वैल्यू होती है, आइलर नंबर इसको बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखें अगर क्या हो गया, अगर मैं इसकी पावर में x ओवर डेल एक्स बना दूं, बनाया जा सकता है ना, तो फिर हम इस सारे की जगह इसकी लिमिट की जगह e लिख सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा, हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ले जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0, मैं यहाँ पर एक तो x से डिवाइड करूँगा, दूसरा इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, साथ में आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स। ठीक है, डेल एक्स ओवर एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग की जिस फंक्शन का आप लॉग ले रहे हैं उसकी पावर शुरू में आ जाती है, या शुरू में हो तो वो पावर में चला जाता है, तो हम जो है इतने इतने पार्ट को पावर में शिफ्ट कर देंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। आप लिख भी सकते हैं नीचे 1 ओवर एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका इस लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, लिमिट अप्लाई हो रही है डेल एक्स पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी लिमिट बन जाएगी कुछ इस तरह से log ऑफ 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स और इसकी पावर में ये चीज़ आ जाएगी x ओवर डेल एक्स। तो ले जी हमने इसका रेसिप्रोकल तो बना लिया ऊपर, अब हमें ये करना है कि log की फिर से लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। log पर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो वो इनसाइड फंक्शन पे आ जाती है, log बाहर आ जाता है, ये इंटरचेंजेबल होते हैं बेसिकली, यानी log को मैं बाहर लिख लूँगा, लिमिट इनसाइड वाले एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो जाएगी डेल एक्स अप्रोचेस 0, ये हमारे पास है जी 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर x ओवर डेल एक्स। अच्छा अभी भी हम वो लिमिट लॉजिकली यूज़ नहीं कर सकते, ये वाली मसला है इसमें छोटा सा। देखें क्या मसला है, जो पावर है ना वो ज़ीरो का अप्रोच कर रही है, बट हमारे केस में पावर है x ओवर डेल एक्स। क्या ख्याल है, दिस इज़ x ओवर डेल एक्स और हमारी जो लिमिट है दैट इज़ ओनली डेल एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, या आप यूँ भी कर सकते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास दो केसेस होते हैं, ये मैंने शायद थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, n अप्रोच करता है बेसिकली इन्फिनिटी को इस केस में। ठीक है, वो एक और होता है, मैं वो भी आपको लिख देता हूँ, दो फार्मूले होते हैं, एक आपके पास होता है कुछ इस तरह से लिमिट h अप्रोचेस 0 उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है 1 + h इट्स पावर 1/h। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अगेन e के इक्वल होता है। तो हमारे केस में चूंकि ये चीज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, तो डेल एक्स ओवर एक्स भी ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए और ये करेगा भी। देखें कैसे, सिंस आप लिख सकते हैं डेल एक्स अप्रोच ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप डेल एक्स को एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। कैसे, क्योंकि अगर आप डेल एक्स के यहाँ पे ज़ीरो लगाएं तो ज़ीरो ओवर समथिंग इक्वल ज़ीरो होता है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई फाइनाइट नंबर, तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है हम इस डेल एक्स की जगह पर डेल एक्स ओवर एक्स भी लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 1/x लोग, उसके अंदर लिमिट आ जाएगी, बस लिमिट में हमने ये चेंज करना है डेल एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस ज़ीरो 1 + डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर एक्स ओवर डेल एक्स, और ये चीज़ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इक्वल होती है e के, अल्टीमेटली 1/x log ऑफ e टू द बेस a एंड दैट्स इट। अब ये आपके पास आ गया log ऑफ e बेस a है, अगर बेस हम किसी तरीके से e बना दें तो ये नेचुरल log हो जाएगा। हम यहाँ पर अगेन लिमिट की कह रहा हूँ, log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विच इज़ आपके पास होता है जी log ऑफ, मैं जनरली लिखने की कोशिश करता हूँ उसको, या फिर यही लिख लेते हैं log ऑफ e। अगर आप इसको ले जाते हैं ना तो फ्रैक्शन के अंदर, तो आपके पास ये इंटरचेंज हो जाएंगे a और e, मतलब ये बन जाता है log ऑफ a टू द बेस e डिनोमिनेटर में, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। तो अब अगर हमने बेस e बना दी है तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल log, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल log ऑफ a के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है हम इस log की जगह पर 1/नेचुरल log ऑफ a लिख सकते हैं, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन 1/x मल्टीप्लाई 1/नेचुरल log ऑफ a, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log टू द बेस a। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब आपके पास इसमें फिर से वही केस जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास नेचुरल log हो, मसलन अगर आपका फंक्शन है y = नेचुरल log ऑफ x, इस केस में क्या होगा, नेचुरल log की बेस क्या होती है, log की e होती है, इसमें फिर डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आएगा 1/x एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1/नेचुरल log ऑफ e आ जाएगा, क्योंकि इसमें बेस e है और ये चीज़ इक्वल होती है 1 के, 1/1 ख़त्म हो जाएगा। तो नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव सिर्फ बनेगा 1/x। ठीक है, एक और चीज़ इसमें नोट करने वाली है, पहले भी मैं बताया था आपको मैंने, अगर आपके पास log के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, मिसाल के तौर पर g ऑफ x का log है, तो फिर ये फार्मूला इनकम्प्लीट है, इसमें आपको छोटा सा काम एक्स्ट्रा करना होगा। पहले नंबर पर तो 1/g/x 1/g/x, साथ में 1/नेचुरल log ऑफ a, और चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए हमें g का डेरिवेटिव भी साथ लिखना होगा। अब ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, इसको आने वाली एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। अच्छा, टाइम हमारा ऑलरेडी अराउंड 30 हो चुका है, चलें जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल्स को। तो हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है दैट इज़ log ऑफ ए एक्स स्केयर, यहाँ पर a इज़ अ कॉन्स्टेंट, b भी कॉन्स्टेंट है और c भी कॉन्स्टेंट है, इसकी बेस है 10, हमें dy/dx मालूम करना है, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट u = ax² + bx + c। अब आपका फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, log ऑफ u, सीधा सीधा बेस 10 है, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल। तो dy/dx किसके इक्वल आएगा, दिस इज़ इक्वल टू dy/du, क्योंकि y हमारा u पे डिपेंड कर रहा है, और उसके साथ में du/dx, इसको 1 कह दें और ये दो डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें। चलें हम इसको पहले लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट y with respect to u, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी यू, ये y की वैल्यू लगा दें, y इक्वल है आपके पास log u के, बेस 10 है इसकी, तो इसका हमने डेरिवेटिव अभी सीखा है, दिस इज इक्वल टू 1/u मल्टीप्लाई 1/(log) बेस, और बेस हमारे पास इस केस में है 10। अब एक काम आपने ये करना है कि u की वैल्यू लगा देनी है, जो कि फाइनल आंसर हमें x में चाहिए होता है। मैं 1/(log) 10 को शुरू में लिख लेता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और उसके साथ में u की वैल्यू लगा लेते हैं। u की वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था ax² + bx + c, दिस वन कहाँ पर गया, ये वाला, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। सिमिलरली हमें डिफ्रेंशिएट करना है हमारा जो सेकेंड u को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा du/dx, दिस इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ u, u आपके पास इक्वल था ax² + bx + c के, इसको हम सिंपली पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरीवेटिव बनेगा 2x, फिर b भी कांस्टेंट है, x का डेरीवेटिव आ जाएगा 1, c अकेला कांस्टेंट पड़ा हुआ है, इसका डेरीवेटिव 0 आ जाएगा, तो री राइट करके 2ax + b डेरीवेटिव बना। अब इन दोनों डेरीवेटिव्स को हमें पुट करना है इसमें 1 में, so you can write now 1 implies that dy/dx equal आएगा dy/du, जो कि equal था 1/(log) 10 1/(log) 10 साथ में 1/(ax² + bx + c, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे u के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, विच इज़ 2ax + b, दिस इज़ द डेरिवेटिव। हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जी, 1/(log) 10 साथ में वी हैव ax² + bx + c मल्टीप्लाई दिस 2ax + b, ठीक है, ये है आपके पास है 2ax + b। ले जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली ये पर थोड़ा काम आसान है, कैसे, क्योंकि इसमें आपके पास नेचुरल लॉग गिवन है, तो y = (log(x²) + 2x), क्योंकि इसको भी वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल आप सब्स्टिट्यूट करें, लेट्स से u = (x² + 2x, y हमारे पास बन जाएगा (log(u)। तो अब आपका जो चेन रूल है वो क्या बनेगा, dy/dx = dy/du मल्टीप्लाई du/dx। अब हमें ये दो डेरिवेटिव्स चाहिए, क्योंकि इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद u को x के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो y आपके पास है (log(u)। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो (log(u) का डेरिवेटिव होता है 1/u, और u की वैल्यू लगा दें आप, इस केस में है x² + 2x, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्टली किया, टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। इसी तरह हमें u को भी डिफरेंशिएट करना है u with respect to independent variable x, यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, दिस इज नॉट dy, दिस इज du/dx। चलें इसको लिख लेते हैं d/dx। फंक्शन आपके पास है (x² + 2x), तो x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x आ जाएगा पावर रूल, और 2x का आ जाएगा सिंपली 2। अब इनको ज़रा हम पुट करेंगे 1 के अंदर। 1 क्या है, 1 इज दिस चेन रूल। नाउ 1 इम्प्लाइज दैट, या लिख सकते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, dy/dx इक्वल आ जाएगा 1/(x² + 2x) के मल्टीप्लाई du/dx विच इज 2x + 2। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको री राइट अगर हम करें तो यह आ जाएगा 2 अंदर बचा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2x। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लोगो का फंक्शन डेरिवेटिव था ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए, थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो चुका है आज के इस लेक्चर में। खैर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मैंने चेन रूल आपको बता दिया है आज ही आपकी बुक में, ये नेक्स्ट टॉपिक में गिवन है। मैं वैसे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्टली भी उनके क्वेश्चन कर लिया करेंगे। खैर नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पर बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।